गर्मी का मौसम था। बल्लू अपने खेत में हल चला चला कर थक गया था। का फायदा, धूप में पसीना बहा बहा के मिलना कुछ नहीं, चवन्नी अठन्नी मिलनी। और ऐसा बोलकर वो जाकर एक पेड़ की छाया में आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक सफेद हाथी पर पड़ी। हाथी बहुत ही सुंदर था, उसके सुंदर सुंदर पर भी थे। ऐसा हाथी बल्लू ने कभी नहीं देखा था। और यू के बला है, पंख वाला हाथी, जरूर यो कोई जादू हाथी होगा। घर हाथी के पास पहुंचा। पैरों की आवाज सुनकर हाथी उड़ने को पंख फड़फड़ाने लगा तो बल्लू घबराया। उरा कहीं वो जादुई हाथी हाथ से ना निकल जावे। बल्लू ने उसकी पूंछ पकड़ ली और इसी के साथ हाथी हवा में उड़ चला। अरे बाबा के तो जान लग रहा है, रुक जा ये हाथी कहाँ ले जा रहा है, और अरे अरे कहाँ जा रहा है। बल्लू हाथी की पूंछ पकड़े पकड़े अब आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। इतनी ऊंचाई पे बल्लू को बहुत डर लग रहा था, किंतु उसने हाथी की पूंछ नहीं छोड़ी। हाथी बादलों के पार उड़ चला और एक बहुत ही सुंदर जगह पर जाकर ठहर गया। बल्लू आश्चर्य से अपने आसपास देखने लगा। उत्तर की, यो तो स्वर्ग है भाई, स्वर्ग। अरे पंख वाला हाथी तो सचमुच जादुई है भाई, क्या बात है। बल्लू स्वर्ग में यहाँ वहाँ घूमने लगा। सब कुछ इतना भव्य, इतना सुंदर। तभी उसकी नजर सोने के पत्थरों पर पड़ी। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उतरी, अरे ये तो सोने के पत्थर से भाई, ये सोने के पत्थर बेच के तो मैं रामाला माल हो जाऊंगा, क्या बात है हाथी दोस्त। उसने पत्थरों को उठाने की कोशिश तो की, मगर वो बहुत भारी थे। दाते रखी, ये तो बहुत भारी से, मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी इस पत्थर को उठाने के लिए। बल्लू ने कुछ सोचा और फिर जादुई हाथी को ढूंढकर उसकी पूंछ पकड़ वापस धरती पर आ गया। वो भागा भागा अपने दोस्तों के पास पहुंचा। अरे जगत, ओ फणीलाल, अरे कल्लू सुने के, ओ केशव, अरे उरा भाई बात सुन। अरे के हुआ बल्लू, अरे सुन तो सही। अरे के हो गया, बता तो दे काहे को चिल्ला रहा। बल्लू ने उन्हें जादुई हाथी का पूरा किस्सा बताया तो वो सब हंसने लगे। अरे फिर से दिन में सपने देखने लग रहे हैं के? अरे चुप कर जा बावड़ी पूंछ। अरे विश्वास नहीं होता है? चल भाई मेरी बात सुन, कल तड़की तड़क सवेरे सब मेरे साथ चलो, है हम मिलके स्वर्ग जाएंगे और वहाँ से सोने के पत्थर लेके आएंगे। अरे फिर हम सारे के सारे अमीर हो जाएंगे। अच्छा चल भाई, तेरी खातिर ये भी करते हैं बल्लू भाई। और उन सब ने अगले दिन बल्लू के खेत में मिलने का निर्णय लिया। जादुई हाथी फिर उसी जगह अपनी मस्ती में घूम रहा था। बल्लू ने उसकी ओर इशारा किया और बाकी सबको उसके पास तक ले गया। सभी दोस्त पंखों वाली हाथी को देखकर दंग रह गए। अरे बाप रे बाप, यू क्या बड़ा है रे बाबा। चुप कर जा, चुप, शोर मत मचा। हाँ क्यों? हम इसकी पूंछ पकड़ के स्वर्ग जाएंगे। अच्छा। जब हाथी पंख फड़फड़ाने लगा तो बल्लू ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाकी दोस्तों ने बल्लू को पकड़ा। वो सभी हवा में उड़ चले। हाथी बहुत तेजी से उड़ चला। अरे बाप रे बाप, अभी बल्लू कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? अरे अरे इसे तो हम यूं ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे, प्राण चले जाएंगे बल्लू मारे। अरे शांत रहो, अरे शांत रहो, स्वर्ग पहुंच के सोना मिलेगा, शांत लटके रहो। केशव ने अपना हौसला बढ़ाने के लिए पूछा। अरे क्या कह रहे थे तुम, कितने बड़े पत्थर है स्वर्ग में? कितने बड़े? राय इतने बड़े बड़े पत्थर है सह भाई। बल्लू ने जैसे ही हाथ के इशारे से दिखाया, पूंछ से हाथ छूट गया और वो सब जमीन की ओर गिरने लगे। वो सभी एक साथ जाकर एक तालाब में जा गिरे। मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे बल्लू, मेरा तो जबड़ा ही हिल गया। सभी को एहसास हुआ
कि लालच में आकर उन्होंने आज अपनी जान का जोखिम ले लिया था। अरे राम, अरे मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं लालच में अंधा हो गया था। सभी ने उसे माफ कर दिया और सब ने सबक भी सीख लिया था। फिर सब अपने खेत में हल जोतने चले गए। इसीलिए कहते हैं बच्चों, लालच बुरी बला है। सेल्फी का भूत। ढोलकपुर में ढोलू और उसका परिवार रहता था। ढोलू के पिताजी का खेत था और वो खेत में काम कर सब्जियां उगाते और बाजार में बेच देते। ढोलू की माँ घर का काम करती और गाय का दूध निकाल के गांव में बेचती। ढोलू स्कूल में पढ़ता था। कभी वो पिताजी को खेती में हाथ बटाता तो कभी माँ के घर के काम में। ढोलू एक बार स्कूल से आने लगता है तब उसे बाजार में एक नई मोबाइल शॉप लगी हुई दिखती है। वह अंदर जाता है। शॉप का मालिक बोलता है, आओ आओ ढोलू, कैसी लगी मेरी नई शॉप? मेरे पास तुम्हारे लिए बढ़िया ऑफर है, 2 एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक फ्री। सोच लो, घर में जाकर बताओ, ऑफर सिर्फ 3 दिन रहेगा। ढोलू घर जाता है और पिताजी से बोलता है, पिताजी गांव में जो नई शॉप लगी है वो हमें 2 पे 1 मोबाइल फ्री दे रही है। हम मोबाइल ले लेते हैं, इससे सबको आसानी होगी। उसमें गूगल पे और पेटीएम भी होता है, उससे आप और माँ ग्राहकों से ऑनलाइन पैसे ले सकते हो। पिताजी ने हाँ बोला और दूसरे ही दिन घर में 3 नए एंड्रॉइड फोन आ गए। अब सब अपना अपना फोन इस्तेमाल करने लगे। डोलू के पिताजी कस्टमर को व्हाट्सएप पर सब्जियों के फोटो भेजते और ऑर्डर ले लेते। माँ गाय के दूध और घी के ऑर्डर व्हाट्सएप से ले लेती। ग्राहक उन्हें ऑनलाइन पे करने लगे। इसकी वजह से इनका व्यापार और मुनाफा दोनों बढ़ने लगा। ढोलू के पिताजी ने घर में एक गाड़ी भी खरीद ली। ढोलू तो मानो उसके मोबाइल में ही घर बना चुका था। सुबह उठा तो पहले व्हाट्सएप खोल के नोटिफिकेशन देखता। नाश्ते के समय इंस्टाग्राम खोल के स्टोरीज देखता। जब पिताजी गाड़ी से स्कूल छोड़ने आते तो सेल्फी लेके हैशटैग डैडी ऑन मिशन ऐसी पोस्ट फेसबुक पर डाल देता। स्कूल खत्म होते ही और एक सेल्फी लेता और पोस्ट करता, मिशन कंप्लीटेड। जब घर आता तो पढ़ाई में कम और टिकटॉक पे वीडियो ज्यादा देखता और सोते समय इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे पोस्ट करता, वेटिंग फॉर टुमारो। ये हरकतें माँ और पिताजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मोबाइल आने के बाद ढोलू तो मानो बदल ही गया था। माँ को उसकी चिंता होने लगी। उस पे मानो सेल्फी निकालने का भूत सवार हो गया था। एक दिन माँ पिताजी को बोली, अजी सुनते हो, हमें ढोलू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, उससे पढ़ाई न हो पाएगी, तुम उसे खेती बाड़ी सिखा दो। पिताजी बोले, मैं समझ सकता हूँ, पर पढ़कर उसे अच्छा नागरिक बनाना है और आर्मी में देश की सेवा करनी है। ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ मोबाइल की वजह से है ना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन स्कूल में रनिंग की स्पर्धा थी। ढोलू पिछली बार इसमें पहले नंबर पर आया था। दौड़ चालू होने वाली थी। सब बच्चों के माता पिता आए हुए थे और जिला कलेक्टर प्रमुख अतिथि थे। जिला कलेक्टर ने ये बोला था कि इस रेस में जीतने वाले बच्चे को वह आर्मी स्कूल में भर्ती करवा लेंगे। दौड़ शुरू हो गई। ढोलू दौड़ने लगा और देखते ही देखते वह प्रथम आ गया। माँ पिताजी बहुत खुश हुए, उन्होंने उसे उठाया और सेलिब्रेशन किया। पर ढोलू पर तो सेल्फी का भूत सवार था। उसने फिर से सेल्फी निकाली और पोस्ट किया, हैशटैग विक्ट्री डे, बोर्न फॉर आर्मी। ढोलू बहुत खुश था। सब घर आए तब पिताजी बोले, बेटा तुम्हें बधाई, तुमने हम सब का जो सपना था वो आज पूरा किया। तुम अब आर्मी स्कूल में जाओगे और अफसर बनोगे, पर एक बात बोलनी थी, ये मोबाइल से सेल्फी खींचना बंद करो, ये तुम्हारा ध्यान भटका रही है। ढोलू बोला, नहीं नहीं, सेल्फी तो बहुत जरूरी है, इससे मेरा ध्यान नहीं भटकता। सबने खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सब घूमने गए। सब एक मंदिर गए। दर्शन होने के बाद सब मंदिर के बाहर रुके थे। तभी ढोलू ने अपना मोबाइल निकाला और सेल्फी लेने लगा। वो सेल्फी ले ही रहा था कि सीढ़ियों से उसका पैर फिसला और वो गिर गया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। तब डॉक्टर ने प्लास्टर किया और बोले, ये प्लास्टर 1 महीना चलेगा। इसकी वजह से आर्मी स्कूल ने ढोलू को अगले साल फिर से प्रयास करने का सुझाव दिया और एप्लीकेशन रिजेक्ट किया।
डोलू और घर वाले दुखी हुए पर सब ने उसका साथ दिया। माँ बोली, देखा डोलू, इस सेल्फी के भूत ने तुम्हें एक साल पीछे धकेल दिया। हर चीज की एक सीमा होती है, अगर तुम उस सीमा से पार जाओगे तो वह भूत बनकर तुम्हें कभी ना कभी तंग करेगी। हमने भी व्हाट्सएप का उपयोग किया और धंधे में मुनाफा कमाया, तुमने इसका गलत उपयोग किया और खामियाजा भुगत रहे हो। डोलू को अब सब समझ आ गया। उसने अपना मोबाइल अलमारी में रख दिया और घर वालों के साथ बातें करने बैठ गया। माँ, पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सेल्फी का भूत मेरे सर पर चढ़ा था, पर अब मैं मेरी पढ़ाई और घर में फोकस करूंगा और अगले साल फिर से दौड़ जीत के आर्मी स्कूल में एप्लीकेशन डाल दूंगा। सब ये बात सुनकर खुश हुए और सो गए। तो बच्चों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? हर चीज का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो उस चीज का भूत सर पर चढ़ जाता है और तुम्हें असफलता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है, चांदनी नाम की एक लड़की अपने पति संजय और अपनी सास कोकिला और नंद शिवानी के साथ रहा करती थी। चांदनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस वजह से चांदनी की सास उसको पसंद नहीं करती और वो चांदनी से घर का सारा काम कराती थी, साथ ही उसे खूब पीटा भी करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिवानी अपनी माँ से कहती है, आपको तो टीवी देखने की पड़ी है, आपको पता भी है आपके बिना घर में क्या चल रहा है। क्या हुआ बेटी, तुम आज इतनी गुस्से में क्यों हो? अरे माँ, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आपको बताने के लिए चली आई। संजय भैया आपके हाथों से निकल चुके हैं अब। अरे बेटी शिवानी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? संजय मेरे हाथों से निकल गया है? तुम्हें पता है ना कि वो मेरा सौतेला बेटा है और वो बस मेरे ही इशारे पर नाचता है। बस माँ, आपको शायद ये नहीं पता कि आज संजय भैया चांदनी भाभी के लिए एक नया सोने का हार लेकर आए हैं। हमारे लिए तो कभी भी 10 रुपए का सामान लेकर नहीं आए और उस चांदनी के लिए सोने का हार लेकर आए हैं। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है बेटी, अब हम क्या करेंगे? माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस आपको मेरा साथ देना होगा। फिर देखना मैं किस तरह से उस चांदनी को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती हूँ। शिवानी की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोकिला बीमार होने का नाटक करती है और अपनी बहू चांदनी को जोर जोर से आवाज लगाती है, अरे बहू कहाँ मर गई? बचाओ मुझे, जल्दी आ देख, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी भागते भागते चांदनी वहाँ पर आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे माँ जी की बच्ची, देख रही है मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, जल्दी से जाओ और मेरे लिए दवाई लेकर आ। चांदनी तुरंत अपने कमरे से अपनी सास के लिए दवाई लेकर आती है, लेकिन चांदनी को नहीं पता था कि वो दवाई नहीं बल्कि एक जहर था जिसको शिवानी ने बदल दिया था। तभी वहाँ पर शिवानी अपने भाई के साथ पहुँच जाती है और कहती है, देखिए भैया, आज आप अपनी आँखों से देख लीजिए किस तरह ये भाभी की बच्ची माँ को दवाई की जगह जहर दे रही है ताकि माँ की मृत्यु हो जाए। अरे शिवानी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैं माँ जी को जहर दे रही हूँ? नहीं नहीं, ये जहर नहीं दवाई है जो मैं अपने कमरे से लाई हूँ, जिसे आपने ही वहाँ रखा था। देखिए ना भैया, ये भाभी कितनी भोली बनने का नाटक कर रही है, अब मेरा नाम लगा रही है जैसे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा हुआ मैं आपको यहाँ लेकर सही समय पर आ गई, वरना आज तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या, बहू मुझे जहर खिला रही थी? हे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी अपनी ही बहू मुझे जहर देकर मारना चाहती है, ये सब क्या हो रहा है? बहू तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये बोलकर कोकिला जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर संजय काफी गुस्सा हो जाता है। जी आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं माँ जी को नहीं मारना चाहती हूँ और ना ही मैंने उन्हें जहर दिया है, मुझे खुद ही नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। संजय चांदनी की बातें नहीं सुनता और वो चांदनी को घर से बाहर निकाल देता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और रोते रोते चांदनी जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ पहुँच कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं घर जाऊंगी तो उन्हें सब कुछ बताऊंगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये सब कहकर चांदनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, वो आवाज एक चुड़ैल की थी। ए लड़की, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो?
अरे आप कौन हो और आप इतने डरावने क्यों हो? प्लीज आप मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। नहीं लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? चुड़ैल की बातें सुनकर चांदनी उसको अपनी सारी बातें बता देती है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ ये सब बहुत बुरा हुआ है, पर कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रुको, मैं तुम्हें बादलों में जादुई सेब घर में भेजती हूँ। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और खाने के लिए बहुत सारा सामान मिलेगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी और तुम हमेशा खुश रहोगी। चुड़ैल ये बोलकर अपनी जादुई छड़ी से चांदनी को बादलों में जादुई सेब के घर पहुंचा देती है। चांदनी उस घर के अंदर आती है और घर के अंदर देखती है चांदनी कि वहाँ पर काफी ज्यादा सोना और खाने के लिए खूब सारी चीजें रखी हुई थी। ये सब देखकर चांदनी काफी खुश हो जाती है और कहती है, हे भगवान, इतना सारा सोना, क्या ये सब सच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? चांदनी वो सारा सोना लेकर वापस आ जाती है और अपने लिए एक बड़ा घर बनाती है। उस दिन के बाद से चांदनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।